नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। और आज तक पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज तक सीएम सम्मेलन। जी हां, हैशटैग आज तक सीएम सम्मेलन के साथ आप भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आज देश भर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे साथ आज तक पर दिन भर लाइव मौजूद रहेंगे। कोरोना के खिलाफ राज्य किस तरीके से अपनी रणनीति नए सिरे से बना रहे, वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच क्या वाकई उस तरीके के टकराव की स्थिति है जैसी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बात कही है, और टीका उत्सव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीका उत्सव मनाइए, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, और लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए प्रेरित कीजिए, तो राज्य किस तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं, जो खुद कोविड से लड़कर अभी अभी स्वस्थ होकर वापस मैदान में लौटे हैं। स्वागत है तीरथ सिंह जी आपका आज तक पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी खुद की तबीयत कैसी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तबीयत ठीक है, नमस्कार। तबीयत ठीक है, अभी मुझे 3-1 दिन बाहर निकले कोविड से हुए हैं और पूरी तरह कामकाज में व्यस्त हूँ। तो लगातार लगातार बस कुंभ है हमारे सामने, उसको भव्य दिव्य बनाने के लिए और साथ में कोविड का भी पूरे पालन करते हुए हम कर रहे हैं। आने वाला समय चार धाम भी हमारे सामने है, उसकी भी लगातार लगातार बैठके में ले रहा हूँ, तैयारी में जुटे हम लोग। कोविड के समय में कुंभ अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, आपने खुद ही इसका जिक्र कर दिया। तो कुंभ में उस समय जब कोरोना की दूसरी लहर ने अटैक कर दिया है देश में, आप लोग क्या विशेष एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि लोग तो इकट्ठा होंगे, स्नान करना है तो मास्क भी नहीं लगेगा? देखिए, कुंभ 12 साल में आता है महाकुंभ, और लोग बहुत पहले से मन बनाए होते हैं, तो इसलिए कुंभ भी नहाए, भव्य दिव्य हो, ये हमारा मंतव्य है और उस ओर हम लोग चल पड़े हैं। लेकिन साथ साथ भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसका भी हमको 100% पालन करना, ये हमने जनता को आगाह किया है। साधु संत समाज को भी हमने आग्रह किया है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, डिस्टेंस, ये हम लगातार लगातार बार बार बोल रहे हैं। लेकिन इतना है कि जो सत्ताई और जो जबरदस्ती लोगों को एक भय का वातावरण ऐसा एक दिखता था, वो नहीं रहेगा। वो RT-PCR बॉर्डर पे हम लोगों का पूरी तरह तैयार है। 2-3 बॉर्डर जो कुंभ में आने के लिए, हरिद्वार आने के लिए होते हैं, तो उनमें पूरी तरह RT-PCR की व्यवस्था और वो उसका पूरा टेस्टिंग, और उसके बाद उनको स्नान की ओर आगे बढ़ाना। इतना है कि हमने बसों की व्यवस्था की है, और वहाँ अव्यवस्था ना हो इसलिए वो ना आए और उसके बाद सुरक्षित वो निकलें, इस तरह का इंतजाम भी किया है। जहाँ तक साधु संत समाज की बात है, तो उनको पहले जहाँ ये था कि पूरी तरह अपने आश्रमों में रह करके ही वो कुंभ मनाएं, अब हमने उनको आउट ऑफ जाकर के सारे स्थान जो उनके निश्चित रहते थे वो स्थान दिए हैं। सब जगह टेंट आदि ये सारी व्यवस्थाएं हमने उन लोगों के लिए किया है, पानी से लेकर के स्वच्छता से लेकर के सारी व्यवस्थाएं उन लोगों को दिया है, और लग रहा है कि अब कुंभ है ऐसा एक पूरा हरिद्वार के अंदर वातावरण बना हुआ है। लेकिन उनके आश्रमों में भी हमने कहा है कि जा करके टेस्टिंग हो, और यदि लगता है तो फिर जो भी इस प्रकार का एक व्यवस्था देनी हो देंगे। सैनिटाइज और मास्क बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हमने सब जगह उपलब्ध कराए हैं, इवन कि बॉर्डरों पर भी रखा हुआ है, तो जो न लेके आए उनको उपलब्ध करा करके और RT-PCR का टेस्ट करा के फिर वो अपना यदि सही निकलता तो ना जाए। तो ये सारी तैयारियां हैं। पहला जब महाशिवरात्रि का एक स्नान था और मुझे मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली पहले दिन, तो उसी के 2 घंटे बाद मैंने कुंभ का विषय लिया, तो मैंने कहा भव्य दिव्य होना चाहिए, और साधु संत समाज जो अखाड़ा है इसका पूरी तरह इसका भी स्वागत होना चाहिए।
तो वो हमने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा उनको की। आने वाले 3 जो स्नान हैं उनमें भी ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि सारे साधु समाज भी प्रसन्नचित्त है और पूरी संख्या में जितना उनको आना चाहिए था वो आज हरिद्वार के अंदर पहुँचा है पूरा अखाड़ा पूरी तरह से। और यह है जनता भी, पहले दिन उस समय 32 लाख लोग पहुंचे थे उस स्थान में, जबकि पहले डर था, लेकिन उसके बाद उनको जब इस तरह बता कोई किसी प्रकार का कोविड से हताहत नहीं हुआ, सकुशल लोग लौटे और इस समय भी यही है। लेकिन मैंने कहा कि पालन जरूर करें, यह हमारे सामने जरूर चुनौती है। तो कुंभ सफल हो, अच्छा हो, भव्य दिव्य हो, इस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। 30 दिन आपके कार्यकाल के हुए और उसमें सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने इसी कुंभ का सफल आयोजन करवाना, इधर से कोविड की दूसरी लहर का अटैक, देहरादून वहां पर नाइट कर्फ्यू है और उससे थोड़ी सी दूर हरिद्वार वहां पर कुंभ का आयोजन है, दोनों एकदम एक दूसरे से विपरीत परिस्थितियां हैं, कैसे सामंजस्य बिठा रहे हैं दोनों? ये आपने ठीक कहा, हरिद्वार और देहरादून तो ज्यादा दूरी नहीं, लेकिन देहरादून में जो कोविड का असर है थोड़ा ज़्यादा दिखा है। कल भी 1200 के लगभग थे, आज थोड़ा और संख्या बढ़ी है। और देहरादून में अधिक होने के कारण हमने निर्णय लिया, कैबिनेट बुलाई थी मैंने पक्ष में, तो उसमें ये लिया कि हम रात्रि कर्फ्यू लगाएंगे, जो 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ये तय किया है। लेकिन जहाँ अभी ऐसी स्थितियाँ नहीं है, धीरे धीरे जहाँ बढ़ेगा उस समय के हिसाब से लेंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उत्तराखंड में लॉकडाउन की स्थिति नहीं आएगी, ये हमको पूरा विश्वास है और उस ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने वैक्सीन लगाने का काम पूरी तरह से नीचे तक किया है, इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अलग हैं, पहाड़ है, मैदान है, लेकिन मैंने लगातार बैठकें ले रहा हूँ। हमने ये कहा कि न्याय पंचायत तक भी हम लोगों को जाना चाहिए वैक्सीन लगाने के लिए, न कि केवल वो डिस्ट्रिक्ट और पीएससी सीएससी में आकर लगाएं, यदि बुजुर्ग है तो उसको वहीं जाकर के लगाएं। उसके लिए पहले से जन जागरण करें, बादल बनाएं और ये हमने मैसेज दिया और उसके कारण आज फर्स्ट डोज हमारी 10,90,000 का हुआ, सेकेंड डोज 1,70,000 तक पहुंचा है। भारत सरकार ने पूरी तरह हमको हर चीज़ उपलब्ध कराई है, पीपी किट से लेकर के वैक्सीन बड़ी मात्रा में भेजा है, कोई कमी नहीं है और उसको हम निरंतर निरंतर मैंने कहा नीचे तक पहुंचा रहे हैं। रिकवरी रेट हमारा आज भी 91% से ऊपर है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि अपने हम स्थिति संभाले हैं और आगे भी ठीक रहेगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। तीरथ सिंह रावत जी, आज तक पर आने के लिए, आज तक के इस सीएम सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए और लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए कि उत्तराखंड की सरकार कोरोना की दूसरी वेव से निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और कुंभ के आयोजन को भी पूरे तरीके से प्लान करके करने की तैयारियां की गई हैं, धन्यवाद आपका।